ओके, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो इंटीग्रल इक्वेशन में मोस्टली आपका जो नेट में क्वेश्चन है, मिनिमम एक क्वेश्चन, अब तक जो पीछे का पैटर्न है, मिनिमम वन क्वेश्चन एंड मैक्सिमम थ्री क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीन्स आप इससे नेट में 3 to 12.50 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस की बात किया जाए, अगर आप पहले पढ़े हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इसको मैक्सिमम 4 to 5 आवर में आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का कुछ बेसिक नॉलेज है तो। और नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए इसको आप छोड़ दें। और थोड़ा बहुत भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इवन तो ग्रेजुएशन का भी आता है, तो आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले कर देना चाह रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 33। ओके, इसमें क्या है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और एफ के बारे में बता रहा है कि एफ कहाँ डिफाइंड है, सी 0 to 2 पाई, मीन्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 2 पाई। ओके, तो इसके मीनिंगलेस है, आपके लिए कोई ज्यादा काम नहीं, आपको बस ये समझना है कि इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हो, क्योंकि डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड ही नहीं रहेगा तो हम कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे। तो कंपटीशन के लिए एक सिंपली आपको ये समझना है कि आपको करना क्या, गिवन क्या है और करना क्या है। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिए गए ऑप्शन इनमें से कौन सा ट्रू है। अच्छा, ये पार्ट सी का है तो मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ठीक है, मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा, जस्ट आइडिया दे रहा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इंटीग्रल टर्म इन्वॉल्व है। ओके, सेम कैलकुलेशन करना है, और यहाँ पे एक लेमडा अननोन है, और एक फाइव टी अननोन है, और एफ एक्स है, और एफ आई एक्स, एफ फाइव टू सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ आप कैलकुलेशन करेंगे, उसके बेस पे आपका लेमडा निकलेगा और एफ एक्स निकलेगा। लेमडा, एफ एक्स, एफ एक्स और लेमडा, मीन्स एफ एफ और लेमडा के टर्म में यहाँ पे आपका जो भी टर्म कैलकुलेशन करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप का होता है, अगर एज ए लेमेन अप्रोच ले हम लोग तो सिंपली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। ये 2019 दिसंबर ये देख रहे होंगे आप, आसाम रीजन में जो क्वेश्चन पूछा था उसका है, और इसका मैं एक क्वेश्चन और शो कर दे रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट टाइम आपके एग्जाम में, बहुत ईजी है। जैसे एक क्वेश्चन रहा, ये भी आपका इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी देखिए कुछ इंटीग्रेशन का टर्म दिया है, इक्वल टू सम टर्म दिया है, और यहाँ पे फाइव वन की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसको सोल्व करके आपको कुछ फाइव एक्स निकालना होगा, और फाइव एक्स निकलते हैं एक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, और इनमें से जो भी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। 3 मार्क्स में पूछा हुआ है तो 2 क्वेश्चन यही हो गया। अच्छा, ये तो आसाम रीजन का हो गया, और भी एक क्वेश्चन था तो मैं उस पर टाइम नहीं ले रहा आपको, जो 2019 दिसंबर में हुआ था मेन, उसका एक बार क्वेश्चन डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। उसमें भी 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, इसका मैं एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में भी क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रल टर्म इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे फिर से 5x निकालेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे, और जो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें बोला इसमें कोई ज्यादा मेहनत काम नहीं, और इसमें क्वेश्चन ए टू जेड ऐसे ही उठा के दे देते हैं रिपीटेडली। मैं दिखा दूंगा जो 19 दिसंबर का क्वेश्चन है वो 18 दिसंबर का डायरेक्टली उठा के दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, मैं जब प्रॉब्लम करवाऊंगा उस टाइम आपको ये सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी कि कौन, इसमें एक्चुअली 2 होते हैं इंटीग्रल इक्वेशन में, जिसको आई मैं नाम दे दे रहा हूँ, तो एक होता है फ्रेडलॉन्ग, ठीक है, और एक होता है वोल्टेरा। तो ये जो हमने इसमें ए दिया हुआ ना लिमिट, इस लिमिट को देख के डायरेक्टली हम बता देंगे फ्रेडलम होगा या फिर आपका वोल्टेरा होगा, ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा। एक क्वेश्चन है हो गया, इसमें बहुत सिंपल है, आप मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 1 मिनट में कर देंगे इसको, और आपका इजीली 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको शो करता हूं मैं, इजीली शो करता हूं। ओके बेटा, 41 ये देखिए, ये भी एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इस इंटीग्रल इक्वेशन में फिर से वही टर्म कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा है,
तो सॉल्यूशन के लिए भी मान लो कुछ हमारा, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कंट्राडिक्शन वाला, कुछ जीरो इक्वल टू मान लो फाइव आ गया इस टाइप का आता था, तो हम लोग बोलते थे कंट्राडिक्शन आ गया, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो इसी टाइप के यहाँ भी आप सोल्व करेंगे ना, तो आपका कुछ फाइव एक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन जो दिया हुआ उसके बेस पे हम लोग देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि इसका सोल्यूशन होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। ओके, एक क्वेश्चन और मैं इसी का दिखाता हूँ, मतलब इसी में देखिए कितना आपका 36 नंबर क्वेश्चन, ये कितना नंबर है 36। ओके, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी वैसे ही दिया हुआ है, तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कुछ टर्म दिया हुआ है, फाइव एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है और इंटीग्रल का टर्म दिया हुआ है, ठीक है। बी एन इंटीग्रल इक्वेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, इनके बेस पे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, उनके बेस पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं और यहाँ से आप इजिली 4.75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न हो गए। तब यहाँ पे जो ये इंटीग्रल इक्वेशन है इसका मैं जनरल स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ और मैं अपने नोट्स में डिस्प्ले कर दे रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, और जिनको नोट डाउन करना होगा वो वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी जिनको समझना होगा डायरेक्टली समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इन स्ट्रक्चर को देख के पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप के हैं, फिर उसके बेस पे हम उनका सोल्यूशन की बात करेंगे। तो मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, कि इंटीग्रल इक्वेशन में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको सारे टॉपिक नहीं करना है, मैंने यहाँ कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का नाम दिया। इंटीग्रल इक्वेशन जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया इनके ही दो टाइप होते हैं, वोल्टेरा एंड फ्रेडलम, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है ए, कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो उसे इंटीग्रल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एंड दूसरा ले लीजिए इंटीग्रल इक्वेशन दिया होगा तो उसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और इसी से आपका काम बन जाता है नेट के एग्जाम में, और इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो कर्नल या सेपरेबल कर्नल होता है ये हमें या तो वैल्यू फाइंड आउट करना होता है या उसका नेचर के बारे में बात करता है, और ये सब मेथड है फाइंड आउट करने के सॉल्यूशन, जिसमें हमें इटरेटेड इटरेटेड मतलब रिकर्सिव और ये सब उसी के टाइप है, तो इनमें कोई ज्यादा काम नहीं है। और हो गया सोल्यूशन फाइंड आउट करना, तो जैसे मैंने क्वेश्चन अभी दिखाया आपको सोल्यूशन के लिए, तो सोल्यूशन में आपका फ्रेडलम का भी हो जाएगा, वोल्टेरा का भी हो जाएगा, और इनको फाइंड आउट करने के लिए इन मेथड्स का यूज करेंगे। तो मैं मेनली आपको इतना थ्योरी बता दे रहा हूँ, इससे काम हो जाएगा, बाकी हम लोग प्रॉब्लम से कर लेंगे कि प्रॉब्लम में इसमें किस टाइप को होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी आप लोग को डिस्प्ले कर दे रहा हूँ ताकि थ्योरी भी हम लोग का साथ में चलते रहे। ओके, तो ए हो गया इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन में देखते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, एक इक्वेशन होता है जिसमें एक अननोन फंक्शन होता है एक इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। मतलब ए इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन मैंने क्लियरली कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन है क्या, अब उसमें कंडीशन है विच इन विच एन अननोन फंक्शन अपीयर्स अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइंस। जैसे यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे एक अनुमान कुछ ऐसे दो इंटीग्रल दे दिया यहाँ सी एक्स से कुछ डीएक्स तक, तो इस टाइप का यहाँ पे अननोन देखिए, ये बोला कि हमारे पास जो होता है यहाँ पे ए वाई वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूं, एक सेकंड, ओके। तो यहां से अब आपको दिख रहा होगा, तो इसमें जो है हमारे पास इस टाइप का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये होता है आपका इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, कुछ इस टाइप्स के टर्म होंगे जहां पे ए एक्स सॉरी ए एक्स ए बी एक्स, ये जो फंक्शन होते हैं एक्स के फंक्शन होते हैं, एक्स से फ्री भी हो सकते हैं एक्स के भी हो सकते हैं, तो मैं वर्स्ट केस में क्या होगा आपके एक्स के फंक्शन होंगे, और जो ए एफ एक्स है और ए जी एक्स है, ठीक है, एंड ए के एक्स, ये तीनों हमें नोन होते हैं, एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स एंड के एक्स, ये तीनों नोन होते हैं, और ये हमारा वाई होता है ये हमारा अननोन होता है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने बताया कि हमारा इंटीग्रल इक्वेशन क्या था, ये तो एकेडमी के लिए हो गया कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, एक इक्वेशन होता है जिसमें एक अननोन होता है ये इंटीग्रल साइन के अंदर आता है, बाहर भी है लेकिन एक अननोन होता है इंटीग्रल साइन के अंदर आता है, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन बोल रहे थे। इसमें क्या होता है, हम इस सोल्व करके इस वाई को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा देर पहले आप देखे होंगे क्वेश्चन में हमारा जो फाइव एक्स पूछा हुआ था ना, यही चीज था, वाई की जगह फाइव दे दिया था, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करना है, और इतना आसान है ना कि आप नहीं भी जानते होंगे तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपने इन जनरल स्ट्रक्चर ले लिया, तो जनरल में क्या हो गया, एक ही हो गया। अब इसमें आप
इस एक्स बी एक्स पे कंडीशन लगा देंगे तो आपका अलग टाइप बन जाएगा, इस एफ पे कंडीशन लगा देंगे तो अगर एफ जीरो हो गया तो होमोजीनियस और नॉन जीरो हुआ तो नॉन होमोजीनियस। फिर हमारे पास काइंड का था, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, तो इस जी एक्स पे कंडीशन लगता है, जी एक्स पे अगर जीरो हो गया तो कुछ और काइंड का हो जाएगा, नॉन जीरो हुआ तो कुछ और काइंड का हो जाएगा। तो यहां से देखिए दो टाइप निकला, फ्रेडलम एंड वोल्टेरा। फिर यहां से आया होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, यहां से आया फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, तो टू 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 इंटू टू इंटू टू, लगभग आपको 8 रिजल्ट पढ़ने होंगे। और अगर आप इन जनरल में समझें तो आपका एक ही रिजल्ट से काम हो जाएगा। वो रिजल्ट क्या है कि आप इसको समझें, दो इसके लिए केस है फ्रेडलम एंड वोल्टेरा, और उन दोनों के लिए फिर ए होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, उनके लिए फिर फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके जिनको नोट डाउन करना होगा वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी जो नोट डाउन नहीं करना चाहते आप स्टडी मटेरियल डायरेक्टली लेके भी वहां से इसको पढ़ सकते हैं, सब कुछ वहां मेंशन है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास कि कितने टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स क्या, फ्रेडलम एंड वोल्टेरा। अब इसको मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आप याद कैसे रखेंगे। ए इंटीग्रल इक्वेशन आपको दिख रहा है, ओके अब ये देखिए ए इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है ना, ठीक है, बाकी सब कुछ एजिट। अगर ए इंटीग्रेशन लिमिट जो है, ठीक है, मतलब ए टू बी हम लोग ले रहे हैं, अगर ये दोनों फिक्स हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ जैसे मान लो 2 to 5 ले लिया तो दोनों फिक्स है ना, अगर इस टाइप का हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेडलम, ठीक है। एंड इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक में भी कोई वेरिएबल टर्म आ जाता है, मान लो जैसे 5x हो गया, ठीक है, जैसे 2 to 5x या फिर 2x से कुछ 5 या फिर दोनों ही मान लो 5x, इस टाइप के कुछ हो रहे हैं, मतलब जिनमें से कोई एक भी ए इंटीग्रेशन लिमिट है जो वेरी कर रहा है तो हो जाएगा वोल्टेरा। तो ट्रिक क्या है आप याद कैसे रखोगे, फ्रेडलम मतलब फिक्स, वोल्टेरा मतलब वेरी, ठीक है, या फिर वेरिएबल। तो ये हो गया ट्रिक याद करने का कि आप किसी भी इससे भी आपके जो महाराष्ट्र सेट में प्लस में गुजरात सेट में एंड आपके हिमाचल प्रदेश सेट में, ठीक है, ये तीनों जगह क्वेश्चन सिर्फ इससे पूछा हुआ कि टेढ़ा मेढ़ा इक्वेशन दिया था और उसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना था कि फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन है या वोल्टेरा है। तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं पूछा था, उसमें फिर आपका आ जाता है फर्स्ट काइंड, फिर होता है सेकेंड काइंड, तो वो चीज भी इन्वॉल्व किया था। तो यहां से आप डायरेक्टली ये चीज तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि वोल्टेरा हो गया फ्रेडलम होगा, कैसे, आपने क्वेश्चन देखा, अगर दोनों फिक्स है तो फ्रेडलम, और दोनों में से कोई एक भी वेरी कर गया तो फ्रेडलम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा, ओके अब उसी को हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं। देखिए इफ एक्स एंड बी एक्स आर कॉन्स्टेंट इन द इंटीग्रल इक्वेशन स्टार, जो थोड़ा देर पहले मैंने दिखाया था उसमें यही वाला था ना हमारा, अगर इसमें ए एक्स एंड बी एक्स आर कॉन्स्टेंट है देन इंटीग्रल इक्वेशन स्टार इज कॉल्ड फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन एंड इट इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो वहां पे ए एक्स बी एक्स जो मैंने दिखा रहा था यही था, अगर ये दोनों फिक्स हो गया तो फ्रेडलम हो गया, कितना सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फ्रेडलम मतलब फिक्स, वोल्टेरा मतलब वेरी, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब यहां से शुरू होता है काइंड का, ठीक है कि फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड। तो मैंने बताया था कि ये आपका जीएक्स होता है, इस जीएक्स पे बेस्ड हम लोग बताते हैं कि फर्स्ट काइंड का होगा कि सेकेंड काइंड का होगा। तो अब उसको कंसेप्ट क्या याद रखने का, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे मैं फर्स्ट काइंड का डिस्कशन कर रहा हूं, तो फर्स्ट काइंड में आपका क्या होगा, अगर जीएक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तो जीएक्स जीरो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीएक्स जीरो तो वाई इंटू सम जीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया है तो आप बोलेंगे कि ये फ्रेडलम फर्स्ट काइंड का है, ठीक है, या फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, ए जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो फिर सेकेंड क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड के लिए क्या होता है, जी एक्स बस इक्वल टू वन हो जाएगा, तो आपके पास दो कंडीशन होगा, इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन, इक्वल टू जीरो मतलब फर्स्ट, इक्वल टू वन मतलब सेकेंड। देखते हैं इसको भी, सेकेंड को भी, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो इन ए, ए क्या था, ए वाला इंटीग्रल इक्वेशन था, अगर जी एक्स इक्वल टू जीरो हो जा रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने इस स्ट्रक्चर में लिख दिया, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, क्लियर, ओके अब आगे बढ़ते हैं। ए थ्योरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन चीजों का भी डायरेक्टली एप्लीकेशन है, और अगर आप नाम नहीं जानेंगे इनका तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो बस रफली देखते चलते हैं, आपका क्विकली हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। अब फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड,
तो फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में क्या है, आपका जो हमने इंटीग्रल फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन दिया था उसमें उस जी एक्स को वन ले लिया, तो जी एक्स को वन ले लिया तो यहाँ पे यही था ना जी एक्स इंटू वाई एक्स और ये सब एजिट था, तो जी एक्स वन हो गया तो ए वाई एक्स हो जाएगा, ओके तो ए वाई एक्स हो गया तो वाई एक्स इक्वल टू दिस। अब ए भी तो फिक्स था, ये सब पहले से ही था, ए भी पहले से था, ये एजिट था, तो बस जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल इक्वेशन था उसमें ए तो फिक्स कर दिया तो फ्रेडलम हो गया और यहाँ पे वन ले लिया तो सेकेंड काइंड हो गया और जीरो लिया था तो फर्स्ट काइंड। तो ए था आपका फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशंस का डिफिनेशन, ओके फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा, ओके okay. अब मैंने उसमें तीन टर्म बताया था, काइंड मतलब फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड, इसके बाद मैंने बताया था होमोजीनियस का कुछ कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ठीक है, फिर फ्रेडलम वोल्टेरा दोनों के लिए होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, दोनों के लिए फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड। तो अब जो हमारा आता है कि अब इसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस हम कब कहेंगे, ठीक है, तो इसी इंटीग्रल इक्वेशन में देखिए ए इन जनरल हो गया अगर ए एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो क्या बोलेंगे फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन। अब ए अगर सेकेंड काइंड में जीरो हो रहा है तो फ्रेडलम इंटीग्रल होमोजीनियस फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। अच्छा यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं, ओके होमोजीनियस फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ये सेकेंड काइंड में इसको जीरो कर देंगे तो ए टर्म खत्म हो जाएगा, तो आपका ये चीज बचा वाई एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एक्स, इसको हम लोग ना जो के एक्स इसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, ठीक है, इसी को कर्नल बोलते हैं, तो आप कर्नल भी समझ गए, ओके। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया कि फ्रेडलम होमोजीनियस क्या होता है, अगर यही मान लो फर्स्ट काइंड वाले में हम एफ एक्स को जीरो लेते तो क्या ये पूरा टर्म इक्वल टू जीरो हो जाता, ना एफ एक्स इक्वल टू समथिंग था ना, तो अगर उसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेडलम होमोजीनियस फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, पीछे ये था, यही था ना फर्स्ट काइंड का, अब इसको जीरो ले लेंगे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड होमोजीनियस केस में, और अगर सेकंड वाले में होता है तो सेकंड वाले में बोलेंगे होमोजीनियस फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब हम लोग का ए हो गया इसके लिए फ्रेडलम के लिए तीनों केस, मतलब एक तो हो गया आपका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, फिर हुआ फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। अब ये सेम चीज रिपीट होगा आपके वोल्टेरा के लिए, बस बदल क्या जाएगा, या तो ए वेरी कर रहा होगा या तो बी वेरी कर रहा होगा या दोनों वेरी कर रहे होंगे, बस इतना ही अंतर है। तो आपने फ्रेडलम के साथ साथ वोल्टेरा का भी रिविजन कर लिया, तो एक बार देखते हैं वोल्टेरा में क्या होता है, ठीक है, ये ओरिजिनल हमारे यही था। तो एन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये जनरल स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ था, तो एन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज नोन एज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इफ, अब एक कंडीशन आ जाए जो मैं कभी से बता रहा था कि आइदर ए एक्स और बी एक्स और बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स, बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स मतलब दोनों में से या तो एक या तो नीचे वाला या ऊपर वाला या दोनों ही क्या कर रहा हो एक्स पे डिपेंडेंट हो, मतलब वेरी कर रहा हो, जैसे वहां पे फिक्स था ना कि जैसे हमने टू टू फाइव ले लिया लेकिन अब नहीं ऐसा है, दोनों में से कोई एक वेरी कर रहा होगा तो हम लोग बोल देंगे इसको वोल्टेरा, ठीक है। अब वोल्टेरा में हम लोग फिर से आएंगे वही क्या फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड, ठीक है, एक बार देखते हैं फर्स्ट काइंड के लिए क्या था हमारा, एक बार रिकॉल करिए आप लोग थोड़ा सा, मेरे को वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचने की कोशिश करिए और फिर इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट में तो आपका आ ही जाएगा। तो आपका फर्स्ट काइंड और सेकंड क्या इस जी एक्स पे डिपेंड कर रहा था, मतलब इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन, पहले जीरो आया तो फर्स्ट काइंड, बाद में वन आया तो सेकेंड काइंड, कितना ईजी है ना। तो इसको करते हैं तो जी एक्स को जीरो रखेंगे तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू दिस टाइप बचेगा, बस यही हो जाएगा कि ए या बी में से कोई एक वेरी कर रहा होगा। देखते हैं आपका फिर से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ओके तो यहां से देखिए इफ जी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, जो मैं कभी से बता रहा था इन बी, बी आपका ये था दैट इज ए लिनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, तो इसमें क्या होगा ए टर्म तो आपका पूरा जीरो, तो इतना ही बचाना आपके पास, तो इसी को सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया ये चीज, तो यही हो गया आपका वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, यहाँ पे आइदर ए और बी और बोथ आर डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो सेकेंड काइंड क्या होगा रिकॉल करिए एक बार आप लोग, वेरी गुड, आपका होगा जी एक्स इक्वल टू वन, ओके तो जब ए वन बन जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। देखते हैं
पे दिख रहा होगा आई थिंक क्लियरली, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, इफ gx इक्वल टू 1 ओके इन b, b क्या था जो हमने ओरिजिनली लिया था उसमें, देन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे gx into yx था ना, तो यहाँ पे into 1 हो गया, तो 1 करने से कोई फायदा नहीं, yx into 1 yx ही रह जाएगा, तो ये आपका इस स्ट्रक्चर का बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग वहां फ्रेडलम में क्या था, ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा था, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड का था। अब वोल्टेरा में हम लोग आ गए, तो वोल्टेरा में भी वही केस होगा, बस ए भी x पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा फिर हम लोग बात कर रहे थे होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में क्या कर देंगे, इनसे आपको जीरो कर देंगे ओके, तो ये जीरो कर देंगे, तो ये जीरो कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। अब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ लिया, तो बस हम लोग यहीं पर थ्योरी खत्म करते हैं, जो मेनली रिक्वायर्ड चीज था यही था आपका, ठीक है, इतना ये जो बेसिक था ये एटलीस्ट आपको आना चाहिए ओके। थोड़ा सा एक दो टर्म और देख लेते हैं, एक होता है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, ये आपके सेट में पूछा हुआ है, नेट में नहीं पूछा हुआ, तो एक कुछ होता है जैसे हम लोग मैट्रिक्स में आपको ये थोड़े ना पूछता है कि मैट्रिक्स का सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसमें क्या है ना कि जो हमने जनरल देखा था इनमें से या तो ए या तो ए, ठीक है, अगर कोई भी एक इन्फिनिटी हो, मतलब कुछ इनफाइनाइट से जीरो या फिर मतलब यहाँ से कुछ इन्फिनिट इस टाइप का हो, या फिर ए कुछ इन्फिनिटी बना रहा हो या डिफाइन नहीं हो रहा हो, तो इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। देखते हैं, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वेन वन और बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारा लिमिट यूज हो रहा था, या तो इन्फिनिटी हो जाए या जो कर्नल, कर्नल क्या था, जो के एक्स टी था, मैंने उस टाइम बताया था कि के एक्स टी था वो हमारा कर्नल था, इसको मैं फिर से डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, डाउट है तो, ये के एक्स टी है ना, यही हमारा कर्नल था, तो अगर वो हमारा कर्नल क्या हो रहा, इन्फिनिटी हो जा रहा है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, मतलब जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्या था हमारा इंटीग्रेशन ऐसे ले रहे थे ना, तो या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी भी एक जगह पे इन्फिनिटी बन जा रहा हो, या एक से ज्यादा, कम से कम एक होगा तभी ना, मतलब बोलेंगे यहाँ पे के एक्स टी को प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा जो हमें ए टू बी दिया इसके बीच में, तो बोलेंगे इस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन ओके। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे ये होता है, तो इंटीग्रल इक्वेशन का हालांकि हम लोग क्वेश्चन देख लिया था, फिर भी कोई बात नहीं एक बार देख लेते हैं, तो एक कुछ एग्जाम्पल से इंटीग्रल इक्वेशन के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ए इस सिंगुलर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए इन्फिनिटी हो गया ना, या फिर ए इन्फिनिटी या दोनों इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। उसी तरह एक देखिए, एक ए इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें देखिए जीरो टू हम लोग एक्स ले रहे हैं, और एट एक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स टी का फंक्शन है, ये आपका कर्नल हो गया, और कर्नल ये प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है, एट टी इक्वल टू एक्स पे ये क्या इन्फिनिटी बनाएगा, तो इन्फिनिटी बनाएगा मतलब ये फिर से क्या हो गया, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन ओके। अब एक जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक, वो है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे इंटीग्रल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एंड अगर इंटीग्रल इक्वेशन दिया है तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और इसी पे बेस्ड आपके नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे तो बस थ्योरी और एक बार क्विक रिव्यू दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप का होता है, तो इसके बाद अगले वीडियो में मैं एक 2019 दिसंबर का सोल्यूशन करवा दूंगा, सो दैट आप मतलब समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन होता है और कैसे पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे एक ये देख पा रहे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डीई से आईई बना रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन। तो एक सेकेंड ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीजिए, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने ले लिया और कुछ कंडीशन ले लिया कि जीरो पे कुछ इस टाइप का है और वाई डैश जीरो पे, तो एक जस्ट हमने कंडीशन ले लिया ताकि उसको जो हमारा कांस्टेंट आएंगे उसके रिमूव करने के लिए, एक एग्जाम में आपको दिया रहता है ओके। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ने दिया हुआ है और एक कुछ कंडीशन दिया हुआ है, तो अब यहाँ से हमें इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे होता है क्विकली देखते हैं। आपको क्या करना होगा ना, इसके बहुत सारे मेथड है, आप जैसे भी करें, तो अब इंटीग्रल इक्वेशन फॉलो करें तो आप क्या करना, जो हायर ऑर्डर होगा उसको कुछ फाइव एक्स मान लेना ओके। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे पहुंचेंगे और पूरे इक्वेशन का इंटीग्रल इक्वेशन के फॉर्म में सेटअप कर देंगे, कैसे, अब ए हमने ले लिया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ये चीज बन जाएगा ओके। फिर अगर आप करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पे। कहां से कहां कर रहे हैं हम लोग, तो आप मान लीजिए कहां से कर रहे हैं, y0 से मान ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 पे तो नहीं, 0 to x ले लीजिए, ठीक है। 0 to x लेंगे तभी ना x के टर्म में आएगा, ओके। तो 0 to x करेंगे तो ये तो आपका पहला टर्म हो गया और 0 पे ए वाला हो गया, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to x किए तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। ये मेथड फॉलो करना है, बस यही ट्रिक था, खत्म काम। अब इसको आगे सिंपलीफाई करते जाइए, ओके। सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इधर हो जाएगा, इसको हम लोग वाई डैश लिख सकते हैं, ओके। इसको वाई डैश हमने लिख दिया, और वाई डैश 0 पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो -1 था तो इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इस टाइप से। तो वाई डैश 0 पे 1 था तो ये 1 हो गया, और ये एज इट रह गया, ठीक है। तो हालांकि टी के रेस्पेक्ट में करें तो इसको मैंने टी कर दिया, तो फाइव टी डी टी और 0 to x इंटीग्रेशन बन गया, ओके। अब थोड़ा सा आते हैं, अब फिर देखिए हमें एक बार और इंटीग्रेट करना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का है, तो इसको 2 टाइम करेंगे तब नंबर वाई एक्स पे पहुंचेंगे। तो पहला बार इंटीग्रेट किया तो वाई डैश पे पहुंचे, और सेकंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो वाई पे पहुंच जाएंगे। तो फिर से अगेन इंटीग्रेशन किया हमने, अगेन इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 to x में किया तो फिर से 0 to x हो जाएगा, ओके। इधर वाई एक्स और वाई एक्स माइनस मतलब ए हो जाएगा वाई डैश का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। इधर वाई एक्स दे दिया, इधर वाई 0 दे देगा, इधर 1 का x हो जाएगा, और इसका डबल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाया था थोड़ा देर पहले, मैं उसको फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है अभी, ओके। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था आपका, इस फॉर्मूले को देखिए। ये आपका इंटीग्रल इक्वेशन में मोस्टली टाइम यूज होता है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं, आप जैसे भी जो भी आपका मेथोडोलॉजी हो याद करने का आप वैसे याद कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 1 से लेके n टाइम तक दिया हुआ है, ठीक है। इस एफ टी को हमने छोड़ दिया और एक डी टी ले लिया, इन सबके बदले एक डी टी ले लिया, ठीक है। अभी कितने एन, एक एन तक थे, 0, 1, 2 एन माइनस वन तक, तो टोटल एन हो गए। तो हमने क्या किया, 1/n-1 का फैक्टोरियल 0 to x और ए। तो आप इसको जैसे भी ए आपको एनी हाउ याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका काम आपको इंटीग्रल इक्वेशन में हर बार पड़ता है, ओके। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है। इंटीग्रेशन किया, अब यह सिंप्लीफाई कर दिया, ये बन गया। अब उसी रिजल्ट को हमने अप्लाई किया, तो अप्लाई किया तो 2 टाइम है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/2 है ना, तो 2-1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, ओके। 0 to x हो जाएगा। अब इसके जगह हम क्या कर देंगे, x-t ये 5t और dt, ठीक है। आप पीछे वाले से वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा, y0 पे क्या था, 0 था, ठीक है। तो y0 पे 0 था, तो ये आपका इधर हो गया yx, ये खत्म काम, ये x और ये चीज, ठीक है। अब यहां से एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में बन गया। अब इसको क्या करिए, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसमें उठा के रख दीजिए, किसको, यहां से y निकल गया, ठीक है। हमारा उसमें क्या था, y" था, y' था और y था, इन तीनों टर्म को उठा के रख दीजिए 1 में, अब आपका आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं कि क्या था वो इक्वेशन, में a1 था सेकंड ऑर्डर का, तो डबल डेरिवेटिव के हमने 5x मान लिया, तो इसके जगह 5x हो जाएगा, ओके। इसके जगह 5x हो गया, ठीक है। अब 5 टाइम्स dy/dx, dy/dx हमारा क्या आया था, ये आया था इसमें 5 टाइम्स, ठीक है। और जो लास्ट में y निकला है उसको यहाँ पर रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। ये मेथड है, हालांकि आपको अभी लंबा लग रहा होगा, बट जब आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत फास्ट आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया, 5x हो गया, ये 5 टाइम्स वो था और 6 टाइम्स ये था। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर इंटीग्रल इक्वेशन के फॉर्म में हम देखना चाहें तो कैसा होगा, ये पूरा बाहर निकल गया तो इसको हम लोग एफ एक्स ले लेंगे, 0 to x हो गया। अब जो x और t का फंक्शन था वो हमारा कर्नल हो रहा था, तो ये आपका कर्नल का यहाँ काम कर रहा, और ये जो था 5t आ रहा था, ये क्या था, अननोन फंक्शन था। इसी अननोन फंक्शन के चलते ही तो इसको हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन बोल रहे थे, ठीक है। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, तो ये पूरा, अब देखिए ये क्या है, इसका लिमिट देखिए 0 to x है, मतलब वेरिएबल आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेरा, ओके। यहाँ पे 5x इंटू मतलब वो gx वाला टर्म क्या है, 1 है, तभी ना इसके साथ कुछ मल्टीपल नहीं है ना, तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड काइंड। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड हो गया, ओके। अगर ये चीज 0 हो जाता हमारा, ठीक है, अगर ये fx ए वाला नहीं आया होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का थ्योरी कवर कर लूंगा और उसमें कोशिश करूंगा कि बस जो मेनली थ्योरी था आपका इतना ही था, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो 19 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है उसको भी सोल्व कर दें। ओके, तो थैंक यू।